हेलो फ्रेंड्स, नीलम नरुका रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम नारियल की बर्फ़ी बनाएंगे। ये बर्फ़ी खाने में जितनी स्वादिष्ट बनने में उतनी ही ज़्यादा आसान भी है। ये बिल्कुल बाजार जैसी बन के तैयार होगी, वो भी घर में रखे चंद सामानों से। तो चलिए नारियल की बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 कप दूध ले लिया है। ये कच्चा दूध नहीं है, मैंने पहले भी इसको एक बार गर्म कर लिया था। अब इसको धीरे धीरे थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। जैसे ही दूध हमारा गर्म होना शुरू हो जाएगा, इसमें 3/4 कप शुगर डाल देंगे। शुगर को मेल्ट होने देंगे। कलर के लिए मैं इसमें केसर वाला दूध डाल दूंगी। थोड़े से दूध में मैंने 5 से 6 केसर के रेशे डाल दिए थे, इस तरह से देखिए। अभी दूध इसमें डाल दूंगी। केसर वाला दूध डालने से देखिए दूध का कलर चेंज हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल दूंगी। मिला लेंगे इसको भी। जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाती है तो इसमें 3 कप नारियल का बुरादा या डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। और साथ में 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इस मिक्सचर को मिलाते हुए कुक करते जाएंगे। अगर आपका नारियल का बुरादा मोटा है तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर बारीक कर सकते हैं। तो इस तरह से मिलाते जाएंगे और दूध को बिल्कुल सुखा लेंगे। अगर आपको ये मिक्सचर बिल्कुल सूखा लगे तो इसमें आप थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। तो बस इसी तरह से इसको लगातार चलाते जाएंगे। आप इसे दूध, चीनी या नारियल के बुरादे, बस इन तीनों चीजों से ही बर्फी बना सकते हैं। इन तीनों चीज़ों से बर्फी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होएगी। बस 1 कप दूध ले लीजिए, 3/4 कप चीनी ले लीजिए और 3 कप नारियल का बुरादा ले लीजिए। अब जब मिक्सचर गाढ़ा हो जाए तो इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने से इसका टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ में ये सॉफ्ट और शाइनी भी हो जाएगी। तो मिला लेंगे इसको भी। ये मिक्सचर कढ़ाई की सरफेस छूने लगा है, थोड़ी देर के लिए और कुक करेंगे इसे। देखिए सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है इसने और एक डो की तरह बनना शुरू हो गया है। अब ये बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस तरह की सेटिंग ट्रे में इसको रख देंगे। मैंने इसको पहले से घी लगा के ग्रीस कर लिया था। अगर आपके पास इस तरह की सेटिंग ट्रे नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल प्लेट ले सकते हैं। इस तरह से इसको जमा देंगे। अब 1 घंटे के लिए इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। उसके बाद ही हम इसमें कट लगाएंगे। 1 घंटा हो चुका है, बर्फी हमारी बिल्कुल सेट हो गई है। अब इसमें कट लगा देते हैं।
कट आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा लगा सकते हैं। देखिए बर्फी मैंने सारे कट लगा लिए हैं। अब एक बर्फी मैं निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से ही निकल रही है, इसमें बटर पेपर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है और ये कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसमें सिल्वर पेपर भी लगा सकते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।